खुदावन यीशु मसीह के असीम नाम में आपकी खिदमत में पादरी अमजद नियामत का सलाम पहुँचे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और जैसा और आपको एक बहुत खुशी की खबर, अहम खबर जो है वो देने लगा हूँ कि यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल गुलबर्ग में नेशनल क्रिश्चियन बिजनेस एक्सपो का आगाज़ जो है वो किया गया है। इसको ऑर्गेनाइज़ किया है पाकिस्तान मिशन सोसाइटी ने और मीडिया पार्टनर है आइसिक टीवी, वेन्यू पार्टनर है यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल और यहाँ पर तमाम क्रिश्चियंस बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है और ये एक बहुत ही अहम स्टेप है और क्रिश्चियंस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लगे हैं और हम अंदर चलते हैं और आज इसकी ओपनिंग है। शाम को आपको इतला देना चाहते हैं, आज और कल यहाँ पर बिज़नेस एक्सपो होगा और फैमिलीज़ जो हैं वो लोग जो हैं वो विज़िट के लिए आएंगे। आप सबको भी दावत दी जाती है कि ज़रूर आप इसको विज़िट करें और चीज़ों को, बिज़नेस को देखें, प्रमोट करें एक दूसरे को और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खूबसूरत हैं उसको आप ख़रीदें भी जी। तो चलें अंदर चलते हैं जी। हमारे सामने ही मिस्टर स्टीफन जो है वो मौजूद हैं, ये बिज़नेस एक्सपो मैनेजमेंट के जो हैं वो मैनेजर हैं। हम इनसे पूछते हैं मैसेज क्या देंगे और इस एक्सपो करने का मकसद क्या है। जी जी, मेरा नाम स्टीफन रफ़ीक है और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बिज़नेस प्रोग्राम में ज़रूर तशरीफ लाएं क्योंकि ये आप लोगों के लिए सजाया गया है। आप इसमें आएंगे और हर तरह की चीज़ों से मुस्तफ़ीद होंगे। यहाँ हर तरह के वो स्टाल हैं जो आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा काम करेंगे और आपके इलम को बढ़ाएंगे और परचेजिंग में भी आपका साथ जो है वो हमारे साथ रहेगा। आप टाइम पर आएँ और तशरीफ़ लाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टॉल्स को विज़िट कर सकें और इस एक्सपो में जो हमारा मकसद है वो पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी को प्रमोट करना है। बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं हम पाक मिशन सोसाइटी के स्टॉल पर। जी मोहतरम, अपना नाम बताइएगा। हेलो जी, आप सबको सलाम मेरी तरफ से। मेरा नाम काशिफ है और मैं प्रोजेक्ट मैनेजर पाक मिशन सोसाइटी का। आज यहाँ पे यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल UCH में हम आपके लिए आए हैं और यहाँ पे हमने सेकंड बिजनेस एक्सपो, नेशनल क्रिश्चियन बिजनेस एक्सपो का अहतमाम किया है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सारे लोग, बहुत सारी तादाद में यहाँ पे आएंगे और अपने मसीही बरदर, अपनी बरदरी जो आपके बहन भाई बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनके प्रोडक्ट्स को, उनके सर्विसेज को देखेंगे और ये एक बहुत ही बेहतरीन नेटवर्किंग का, मार्केटिंग का, पब्लिसिटी का मौका है। बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, फूड स्टॉल अलग से लगा हुआ है, यहाँ पे गारमेंट्स हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री के लोग, यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग आएंगे, यहाँ पे सीनियर लोग आएंगे जो आपको मार्केट से कनेक्ट करेंगे। तो लुकिंग फॉरवर्ड, आप सबको दावत दी जाती है कि आज और कल 11 और 12 तारीख स्टेप उठाया है, जैसा कि इन्होंने बताया सेकंड नेशनल क्रिश्चियन बिजनेस एक्सपो है। सो आप सबको इनवाइट किया जाता है, आप ज़रूर यहाँ पर तशरीफ लाएं जी। थैंक यू जी। अपने स्टॉल के बारे में बताइएगा, अपना नाम और ये स्टॉल। जी, मेरा नाम शरीफ गिल है, ऊंची आवाज़ में। मेरा नाम शरीफ गिल है। हम लोग क्रिश्चियन भाइयों के लिए ये लुका पास सोसाइटी लुधियानी जी, ठीक ठीक करें बात। मेन ललियानी रोड के ऊपर जो है, बिल्कुल ललियानी शहर के बिल्कुल पीछे है ये, कोई फिरोजपुर रोड से कोई 4-6 किलोमीटर नहीं, सिर्फ ओनली आधा किलोमीटर के ऊपर है। आप पैदल जो है सिर्फ 5 मिनट के अंदर सोसाइटी के अंदर पहुंच जाएंगे और ये जो है यहाँ पे हम लोगों ने जो लोग किरायों पे रहते हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए शुरू की है। ये पहली सोसाइटी है जिसकी पहले डेवलपमेंट हो चुकी है और फिर हम लोग प्लॉट सेल कर रहे हैं और पहले लोग आए थे, आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं हमारे साथ, चार के सकते तो आप देख सकते हैं कि विजिटर आ रहे हैं। पाइपलाइन ही हमारी पिछली है, स्ट्रीट लाइटें लागी हैं, बिजली लग गई है। खुदावन यीशु मसीह के अजीब नाम में आपकी खिदमत में पादरी अमजद नियामत का सलाम पहुँचे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हूँ और इस वक्त मैं यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल गुलबर्ग लाहौर में मौजूद हूँ। जैसा कि आपको सुबह भी मैंने बताया था कि यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल गुलबर्ग लाहौर में नेशनल क्रिश्चियन बिजनेस एक्सपो का अहतमाम किया गया है पाकिस्तान मिशन सोसाइटी, पाक मिशन सोसाइटी। आज इसका पहला दिन था, आज ओपनिंग हुई है
और बेशुमार स्टॉल लगे हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर अपने बच्चों और फैमिलीज के साथ आए हैं। सुबह इसका दूसरा और आखिरी दिन है, सो आपको इनवाइट किया जाता है कि आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सुबह तशरीफ़ लाएं। और टाइम काफ़ी हो चुका है, लेकिन आपको बताते हैं कि बहुत सारे कैंप जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं जो आपके लिए सूदमंद फ़ायदेमंद हो सकते हैं, और आप यहाँ पर अपनी खरीदो फरोख्त जो हैं वो ईस्टर के हवाले से कर सकते हैं। बहुत सारे क्रिश्चियंस दोस्तों को, बहन भाइयों को मिल सकते हैं, बहुत सारे नए दोस्त जो हैं वो आप बना सकते हैं। चूँकि आज सैटरडे है और कुछ मिनिस्ट्री वर्क जो था वो काफ़ी ज़िम्मेदारियां थी, एक दो घरों में जो है वो थैंक्स गिविंग की इबादत थी, तो इसलिए मैं वहां से फारग होकर अब आया हूं। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि और हमें इनकरेज भी करना चाहिए, और हमें आज के इस दौर में इस किस्म की एक्टिविटीज़ से फ़ायदा भी उठाना चाहिए। ये यहाँ पर आपके लिए डीजे का भी इंतज़ाम किया गया था, बड़ी स्क्रीन, और यहाँ पर आप आके अपना शूट भी कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए जो है वो झूलों का इंतज़ाम किया गया है। सो बच्चों, आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ों का इंतज़ाम किया गया है, तो ज़रूर सुबह अपने पेरेंट्स के साथ UCH में तशरीफ लाएं। आपको बताते हैं कि यहाँ पर और भी स्टॉल लगे हैं, खानों का भी स्टॉल जो है वो मुफ्त लगे हैं, बहुत सारे अपना लोग जो हैं वो अपने अपने अब स्टॉल जो है वो क्लोज कर रहे हैं। 10:30 हुए हैं। हेलो लक्की याडी, अम्मा क्या कह रही हैं जी? ये पिज़्ज़े का स्टॉल है, कैसा रहा जी आज आपका कारोबार? ऑल गुड, ऑल गुड, बहुत अच्छा रहा। अच्छा रिस्पांस रहा। लोगों को क्या मैसेज देंगे कल के लिए, कल आखिरी दिन है? डेफिनेटली आप आएं, स्पेशली बेनी बेकर्स है, आपके लिए लाइव पिज़्ज़ा हम ला रहे हैं, आप पिज़्ज़ा भी एंजॉय करें, बाकी भी फूड स्टॉल्स हैं। आपका गुड नेम? सितार। सितार, और आपके स्टॉल का नाम? बेनी बेकर्स। बेनी बेकर्स, ओके जी, थैंक यू। यहाँ पर भी स्टॉल खाने का, बिरयानी वगैरह मेरा ख्याल स्टॉल था। जी बाजी, कैसे हैं आप? वीडियो बन रही है, कैसा स्टॉल आज का दिन रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा, आप खुद खा रहे हैं, रात का टाइम हो गया खाना। लोगों को क्या मैसेज देंगे कल के लिए, लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? हमारे अम्मा किचन पे आए और घर की बनी हुई साफ सुथरी और अच्छी चीजें खाएं। वेरी गुड, क्या नाम है जी आपके स्टॉल का? अमोल किचन। ओके, तो क्या क्या आप
बना के खिला रहे हैं लोगों को? बर्गर्स, नगर्स और वेजीज, ओके, और कबाब, शामी कबाब, ओके, और कल कपकेक्स और नान खटाई स्पेशल, ओके। ये जी शालूम प्रेस्बिटेरियन चर्च बाहर कॉलोनी से बच्चे बाजी वगैरह आए हैं, तो शालूम चर्च सुन रहा है तो वो कल जरूर आए, ठीक है, और इस स्टॉल को जरूर विजिट करें, ठीक है जी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा चलो, थैंक यू बच्चे, एक ही मिनट, ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कैसे रहा जी आपका साल? देखिए मैंने वीडियो बनाई है और मुझे जनाब गिफ्ट मिला है। चलें कल भी आप आएंगे, चलें। क्या लोगों को कहना चाहते हैं आप बोलें जरा भाई? नहीं नहीं वो बच्ची नहीं बोलेगी, आप बोलें, वो शर्मा रही है। अच्छा इन्होंने जी लगाए हैं, इंडिया की जुबान में पानी पूरी कहते हैं और पाकिस्तानी जुबान में जी गोल गप्पे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को खट्टी मीठी चीज़ें बड़ी पसंद होती है, तो ज़रूर आप UCH में तशरीफ़ लाएं और इनके स्टॉल को विजिट करें, ठीक है, ओके, थैंक यू। जी बाजी कैसा रहा आज का दिन आपका? ठीक था, ठीक है। कल आप लोगों को क्या कहेंगे, लोगों को मैसेज दें ताकि वो आए? आना चाहिए, निकलना चाहिए, क्योंकि हाँ जी फिर ही पता चलेगा क्या करना है। तो बाकी क्या क्या चीजें आप? मैं बिरयानी और अपना बर्गर थे, फ्राइज थे। जी आपने सुना बाजी हैंडमेड चीज़ें जो हैं वो घर से अपने हाथ से बनाती हैं और बड़े डिलीशियस खाने हैं, तो आप ज़रूर जी कल तशरीफ़ लाएं अपनी फैमिली के साथ और इनके स्टॉल को भी विज़िट करें, थैंक यू। जी सिस्टर कैसा रहा आज का? जी अच्छा था इवेंट। लोगों को क्या कहेंगे कल के लिए? कि मोस्ट वेलकम आए, हमारे पास होममेड फूड अवेलेबल है, सारा देसी फूड है और मैक्रोनी भी अवेलेबल है और हमारे स्पेशल राइस हैं और प्लस मेरे पास ज्वेलरी अवेलेबल है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आगे ईस्टर आ रहा है तो आप लोगों को बहुत अच्छी इवेंट के लिए चीज़ें मिलेंगी। क्या नाम है आपका? मम्मी स्पेशल बाय नाट्स। जी ठीक है, थैंक यू, आप ज़रूर जी कल तशरीफ़ लाएँ और इनके स्टॉल को विज़िट करें, थैंक यू। जी गुड, थैंक यू वेरी मच। ये जी अलीम साहब, अलीम साहब एक सेकंड। ये जी मिस्टर अलीम गालिबन यही सारा इस एक्सपो को लुक आफ्टर कर रहे हैं। जी कल के लिए क्या आप लोगों को कहेंगे? मेरा आप सब दोस्तों के लिए एक पैगाम है कि आइए मिलके इस बिजनेस एक्सपो को कामयाब करें। आप आए यहाँ पे, आप देखिए कि किस तरह से खूबसूरत स्टॉल्स लगे हुए हैं, हमारे में से ही लोग बहुत से कारोबार कर रहे हैं, आप आके उनकी हौसला अफजाई करें। नंबर दो पे आप यहाँ पे आइए, आपको बड़ा अच्छा मज़ेदार खाना मिलेगा, आपके लिए तफरी का बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है, और जो बहनें माएँ हमारी बेटियाँ ईस्टर की तैयारी के लिए कपड़े लेना चाहती हैं उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त मौका है कि वो यहाँ पर आएँ और वो यहाँ पे आके ख़रीदारी कर सकती है। कल चर्च के फौरन बाद आप दोस्त यहाँ पे आ सकते हैं, जमा हो सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वी वेलकम ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। आपका इस एक्सपो करने का मकसद क्या है? एक्सपो करने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि हम एक पाकिस्तान के अंदर तहरीक चला सकें बिजनेस अवेयरनेस के ऊपर, कि हमारे में से ही लोग जो छोटी छोटी नौकरियाँ करते रहते हैं क्यों नहीं वो बिज़नेस की तरफ आ सकते, अपना रुझान कारोबार की तरफ क्यों नहीं ला सकते। हमारे सबके पास एक स्किल सेट है और उस स्किल सेट का बेहतरीन यूज़ हम अपने कारोबार में क्यों नहीं करते, और कारोबार में जब करेंगे तो वो जितना मुनाफा होगा वो सब हमारा होगा। तो लेट्स बी इन बिजनेस। सर थैंक यू मिस्टर अलीम, और मैं उम्मीद करता हूँ लोगों तक आपका पैगाम पहुँचा है और लोग बहुत बड़ी तादाद में कल आएंगे और आपको विजिट करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू सर।